हेलो इंजीनियर्स, दिस ओवर शांति। तो आज आपके लाए हैं एक रिसीवेबल सर्किट और एक सेंडर सर्किट। मतलब जो सेंड करेगा वो हाई फ्रीक्वेंसी से सेंड करेगा और वही हाई फ्रीक्वेंसी ये सर्किट रिसीव करेगा। तो एक सर्किट से हम लोग फ्रीक्वेंसी सेंड कर सकते हैं और एक सर्किट से हम लोग फ्रीक्वेंसी रिसीव कर सकते हैं। जो फ्रीक्वेंसी भेजेगा वो फ्रीक्वेंसी हमारे कानों से सुनाई नहीं देगा, खुले कानों से सुनाई नहीं देगा। सिर्फ ये जो सेंड करेगा वही इसमें रिसीव कर सकता है और वो रिसीवर कॉन्वर्ट करके हम लोगों को सुनाई दे सकते हैं। तो ये जो सेंडर और रिसीवर है, ये सर्किट हम लोग किस प्रकार से आसानी से बना सकते हैं अपने घर पे, वो आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई LTM.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिया हुआ लिंक पे क्लिक करें। तो ये जो आप देख रहे हैं इसका मॉडल है HC-SR04। ये एक इको सेंसर है। तो इसका काम क्या है, यहाँ पे एक सेंसर से जो कि साउंड को भेजता है, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड को भेजता है, तो किसी जगह पे ये अटक के फिर से ये यहाँ पे रिसीव कर जाता है। ठीक है, मतलब ये साउंड जो है वो ड्रॉप होके यहाँ पे आता है तो ये रिसीव करता है। तो ये जो रिसीव होता है इसका साउंड ये रिसीव करता है, करने पर जितना डिस्टेंस होगा वो ये मेजरमेंट करता है। तो इसी टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, एक को ट्रांसफरेबल बनाएंगे, एक रिसीवर बनाएंगे, जो कि ट्रांसफ़र जो होगा उसी ट्रांसफ़र को हम लोग जो ट्रांसफ़र करेंगे एक एम्पलीफायर के मदद से ट्रांसफ़र करेंगे, और वही फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करने के लिए एक L293D का एक IC लगाएंगे, और सेम टू सेम यहाँ पे रिसीव हम लोग करेंगे वही सिस्टम पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बनाया है, तो एक जो कि AAA IC है और एक L293D है। तो इस पर हम लोग सिग्नल जो है वो जेनरेट करके हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे इसी के मदद से। सेम टू सेम और एक सर्किट हम लोग लगाएंगे इस पर करके। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कि L293D लगाएंगे और एक एम्पलीफायर लगा के हम लोग इसका रिसीव कर सकेंगे साउंड को। तो जो हाई फ्रिक्वेंसी होगा वो हाई फ्रिक्वेंसी हम लोगों को कानों से सुनाई नहीं देगा, तो वही हाई फ्रिक्वेंसी ये रिसीव करेगा, करने के बाद इस पर से हम लोग सुन सकते हैं। तो इसी टेक्नोलॉजी से जो कि सैटेलाइट वगैरह काम करते हैं इसी टेक्नोलॉजी से। तो अभी इसका जो सर्किट है वो कम्प्लीटली हम लोग बना के देखते हैं। तो चलिए इस सर्किट को हम लोग बना के देखते हैं किस प्रकार से आसानी से घर पे बना सकते हैं। इस वीडियो का सारे कंपोनेंट्स और पार्ट्स क्वार्ट्ज कंपोनेंट्स से खरीदा हुआ है, बहुत ही अच्छा और सस्ता कंपनी है। अगर आप चाहते हैं वहां पे जाके बहुत ही कम रेट पे खरीद सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक मिल जाएगा। देख सकते हैं एक सर्किट कंप्लीट हो गया है। तो ये जो सर्किट है ये एक्चुअली इस पर L293D हमने लगाया है, जो कि फ्रीक्वेंसी को बड़ा करके इसमें से भेजेगा, और एक AAA IC है जो कि फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। जो फ्रीक्वेंसी हमने इस पर लेंगे वही जनरेट करके इस पर देगा और इस पर से आउटपुट होगा। तो और एक सर्किट मुझे चाहिए जिस पर होगा एक एम्पलीफायर और एक L293D का एक IC।
तो उसके मदद से जो रिसीव करेगा, करने के बाद हम लोगों को जो साउंड इसमें से भेजेंगे उस पर सुनाई देगा। तो अभी चलिए दूसरा सर्किट बना के आप लोगों को दिखाते हैं। तो अभी देख सकते हैं ये दो सर्किट कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम लोगों को इसको टेस्ट करना है। तो इसके नीचे की तरफ हमने दो बैटरी लगा दिया है जो कि इसका पावर का काम करेगा। पावर के लिए दो बैटरी हमने इस पर लगाया है। और अभी इस पर जो कि जैक लगाएंगे, लगाने के बाद इस पर ऑडियो इनपुट करेंगे और इस पर से ऑडियो आउटपुट होगा जो हाई फ्रीक्वेंसी से जनरेट करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड करेगा। तो अभी चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो अभी हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है सेंडर और ये है रिसीवर, जिसके मदद से रिसीव करेगा स्पीकर पे। और ये जो स्पीकर है इसके अंदर एक एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर से इसका साउंड बढ़ा के दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से सिग्नल इनपुट करेगा और एम्पलीफायर से बढ़ा के ये आउटपुट करेगा। और यहाँ पे मैंने एक मोबाइल से सिग्नल को भेजेंगे और इस माइक के जरिए जो स्पीकर है, इको स्पीकर के जरिए हाई फ्रीक्वेंसी इसमें भेजेगा, ये रिसीव करके वही फ्रीक्वेंसी इस पर आउटपुट करेगा। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं, ये गाना मैं प्ले कर रहा हूँ। तो अभी देखिए गाना को हमने प्ले कर दिया है, तो अभी ये बज रहा है। तो दूसरे पर साउंड आपको दिखाई सुनाई दे रहा होगा। अभी देखिए साउंड, कोई साउंड नहीं आ रहा है क्योंकि ये रिसीव नहीं कर रहा है और लाइट भी बंद हो गया है। और फिर से मैं इस तरफ मूविंग करूंगा तो ये साउंड फिर से बजने लगेगा, और इस तरफ मूविंग करेंगे तो साउंड नहीं बजेगा क्योंकि ये सिग्नल डायरेक्ट भेजता है। डायरेक्ट भेजने पर एक से भेजेगा और दूसरे पर रिसीव होगा। तो मैं चेंज करके और एक गाना लगाता हूँ। तो देखिए और एक गाना लगा रहा हूँ तो ये अच्छी तरह बज रहा है। तो इसको मूविंग करने पर ये साउंड सुनाई नहीं देगा। जैसे कि अभी देखिए फिर से मैं मूविंग कर रहा हूँ तो साउंड बंद हो गया है, लेकिन इस पर बज रहा है। फिर से इसके साउंड लाएंगे तो ही साउंड सुनाई देगा। तो ये जो सिस्टम है इसको हम लोग आसानी से घर पे बना सकते हैं इस वीडियो को देख के। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से घर पे एक हाई फ्रीक्वेंसी सेंडर और हाई फ्रीक्वेंसी रिसीवर हम लोग बना सकते हैं, जिसके मदद से ऑडियो आउटपुट कर सकते हैं और ऑडियो रिसीव कर सकते हैं। तो ये सर्किट अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।